सो है गाइस, वेलकम टू प्रोमोटर टॉक। आपके सामने जो बाइक प्रेजेंट है ये है मैवरिक 440 और इसकी जो की है मेरे हाथ में आप लोग देख पा रहे हैं, ड्यूल टोन में आपको यहाँ पे की देखने को मिलेगी ब्लैक और ग्रे में। यहाँ पे हीरो की बैचिंग भी देखने को मिल जाती है। ये आपकी दो यहाँ पे की है। चलिए इंसर्ट कर लेते हैं और जानते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल कैसा है। ये रहा आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जैसे मैंने ऑन किया आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने मिलेगा। सर्कल के साथ थोड़ा सा यहाँ पे आपको रेक्टेंगल वे में देखने को मिल जाता है, ठीक है। और गाड़ी का लुक कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको जितनी भी इस गाड़ी में स्टिकर बैचिंग है, कितना क्या सब प्रेजेंट है, मैं सब कुछ आपको स्टेप टू स्टेप वाइज सब कुछ बताऊंगा। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और क्या इंजन स्पेसिफिकेशन, कितने वेरिएंट आते हैं, कितने कलर आते हैं, कौन से सस्पेंशन लगे हुए हैं, कौन से ब्रेकिंग सिस्टम्स अवेलेबल इस गाड़ी में, सब कुछ मैं आपको स्टेप टू स्टेप सबको बताने जा रहा हूँ, आप लोग बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट से यहाँ पे आपको, जैसे मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल मैंने ऑलरेडी दिखाई दिया है, अब बात भी कर लेते हैं उसके बाद आते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल का इंडिकेशन देखने को मिल जाएगा, साइड इंडिकेशन देखने को मिल जाएगा, साइड स्टैंड का इंडिकेशन, लेफ्ट राइट का यहाँ पे आपको यहाँ पे इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, गियर का कौन से नंबर पे आपकी गियर चल रही है, 6 स्पीड की मैनुअल की ये गाड़ी है तो आपको यहाँ पे इंडिकेशन देखने को मिल जाएगा। आरपीएम का देखने को मिल जाएगा, ABS का देखने को मिलेगा, इंजन स्पेसिफिकेशन इंडिकेशन, लो हाई बीम का स्विच ये रहा, ठीक है। और ये हमें प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे लाइट पासिंग लाइट का कुछ देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेशन देखने को मिलेगा, टाइमिंग वगैरह देखने को मिल जाता है। चलिए अब जाते हैं यहाँ पे आपको लो हाई बीम के लिए स्विच देखने को मिल जाता है, ठीक है। और आप लोग व्यू देख पा रहे होंगे, सामने मैं प्रेस कर रहा हूँ इस तरीके से आ रहा है। हैज़र्ड लाइट के लिए, सॉरी इंडिकेटर के लिए आपको यहाँ पे स्विच देखने को मिल जाएगा। हॉर्न एक बार मैं आपको सुना देता हूँ, एक पीसफुल आपको साउंड सुनने को देखने को मिल जाता है। हैज़र्ड लाइट का ऑप्शन यहाँ पे जो है यहाँ पे इस गाड़ी में देखने को मिलेगा, तो इसका स्विच कुछ इस तरीके से। कट ऑन ऑफ का यहाँ पे स्विच सेल्फ का देखने को मिल जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको क्लच वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे फ्रंट में आ जाते हैं, आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि इंस्ट्रूमेंट कंसोल के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा। क्रोम फिनिशिंग के वर्क साथ सर्कल वर्क में आपको हेडलाइट के साथ यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग वर्क देखने को मिल जाएगा एक अच्छे क्वालिटी में, ठीक है। यहाँ पे आपको DRL लाइट देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइट आपको LED में देखने को मिल जाएगी जो कि AHO के साथ है, मतलब कि ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। जैसे कि रात का टाइम है और गाड़ी आप ऑन करेंगे सर, तो ऑटोमेटिक आपका वर्क करेगा और अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। फ्रंट सस्पेंशन वगैरह सब कुछ मैं आपको बाद में बताऊंगा, यहाँ पे आपको पूरा ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहले तो ये आपको ब्लैक ग्लॉसी वर्क में आपको मड गार्ड देखने को मिलेगा, ड्यूल टोन में ग्लॉसी में देख रहे हैं कितना चमक है। उसके साथ यहाँ पे आपको ब्लैक मैट में आपको ये कुछ देखने मिलेगा, यहाँ पे ड्यूल टोन वर्क है, ठीक है। टायर वायर अभी रुक जाओ, पूरा ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं फिर लास्ट में। अब यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी देख लेते हैं। फ्यूल टैंक आपको रेड ग्लॉसी वर्क में देखने को मिलेगा, मैवरिक की बैचिंग यहाँ पे 440 ये इधर बैचिंग और एक इधर बैचिंग मैवरिक की 440 देखने को मिलेगी। एक यहाँ पे बैचिंग वो हीरो यहाँ पे E20 की बैचिंग देखने को मिलेगी, मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से चलने वाली ये बाइक है इन अ फ्यूचर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है, एक हीरो की बैचिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको ड्यूल वर्क देखने को मिल जाएगा सिल्वर ग्रे में और यहाँ ब्लैक मैट में यहाँ पे हीरो की बैचिंग, ठीक है। इधर आ जाते हैं, टर्क की एक 3D में बैचिंग देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा मेटल में वर्क, एक जहाँ पे फाइबर जाली वर्क फिर उस पर मेटल का थोड़ा सा वर्क देखने को मिलेगा, ये आपको मेटल में देखने को मिल जाएगा। भाई 440 की गाड़ी है, CC की गाड़ी तो जरूर नहीं, ये जरूर होगा ही होगा जैसे मैंने बताया, ये भी आपको मेटल देखने को मिल जाएगा, ये फाइबर वर्क देखने को मिल जाता है। इधर आ जाते हैं तो यहाँ पे जो फ्रंट फुटरेस्ट है और जो वो आपको रबड़िंग वर्क में देखने को मिल जाएगा, पंची सा देखने को मिलता है, रियर भी आपको पंची सा देखने मिल जाता है रबड़िंग वर्क के साथ। जो गियर वर्क है वो आपको रबड़िंग वर्क के साथ देखने को मिलेगा, कौन से कितना स्पीड ट्रांसमिशन गियर है सब कुछ अभी बताएंगे। यहाँ पे आपको साइड गार्ड आपको अच्छे मेटल में देखने को मिल जाता है, हीरो की बैचिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, यहाँ पे हीरो की बैचिंग देखने को मिल जाती है। स्प्लिट में आपको ग्रे ब्रेल नहीं, एक अच्छी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में आपको हार्ड बिल्ड क्वालिटी में एल्युमिनियम में आपको देखने को मिल जाता है ग्रे ब्रेल। LED में आपको टेल लाइट देखने को मिल जाती है जो कि स्प्लिट में है, ब्रेक लगाने पे आपको ये भी ब्लिंक करेगा, हीरो की बैचिंग आपको देखने को मिल जाएगी ये, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को जो इंडिकेटर है वो भी आपको LED में देखने मिलेगा येलो कलर में। रिफ्लेक्टर लाइट नंबर प्लेट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपका फॉल होगा LED में आपको देखने को मिलेगा। स्टॉप रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा, टेल मडगार्ड आपको अच्छे बिल्ड क्वालिटी में देखने को मिल जाएगा। टायर साइज वगैरह अभी लास्ट में बात करेंगे। मस्कुलर बिल्ड क्वालिटी में आपको यहाँ पे साइलेंसर देखने को मिलेगा, ये देखिए इस तरीके से व्यू आएगा,
एक बार मैं पीछे जाने के बाद इस तरीके से, तो आप लोग देख पा रहे हैं नीचे से और भी रॉड लगता है। तो ये आपको यहाँ से आने के बाद आपको एक हार्ड बिल्ड क्वालिटी में साइलेंसर देखने को उस गाड़ी में मिल जाएगा। रेयर फ्रंट रबड़ वबड़, यहाँ पे आपको लेग पैड जो है यहाँ पे रबड़िंग वर्क देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको टर्की बैचिंग और ये इधर और हीरो की बैचिंग, ये थी स्टिकर इतने अवेलेबल इस गाड़ी में। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के बारे में भी बात कर लिया इसके साथ साथ। देखिए ये आपको मेटल में देखने को मिलेगा, ये आपको फाइबर में, ये मेटल में, ये फाइबर में, ये आपको प्लास्टिक ग्लॉसी ब्लैक में, ये आपको मैट में, ठीक है। अब हम लोग इस गाड़ी के बारे में सस्पेंशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। आपको मैं अब मैं स्टेप टू स्टेप वाइज में आपको ये बताऊंगा ये जो वेरिएंट प्रेजेंट है कितनी वेरिएंट आती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसमें जो वेरिएंट है आपको थ्री वेरिएंट देखने को मिलता है, बेस, मिड, टॉप। जो ये प्रेजेंट है ये मिड है, इसका जो प्राइस एक शोरूम प्राइस है वो 257,191 है। इसमें जो कलर आपको 5 देखने को मिलते हैं, वाइट, रेड, सेलेस्ट ब्लू और फोर्थ ब्लैक और फिफ्थ ब्लैक, ठीक है। मतलब फोर्थ जो है पैंटम ब्लैक है और फिफ्थ जो है इंजाइमा ब्लैक देखने को मिल जाता है। हालांकि आपके सामने जो प्रेजेंट है ये फियरलेस रेड है। इस गाड़ी में आपको जो फीचर्स देखने को मिल जाते हैं वो इंस्ट्रूमेंट कंसोल, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिम, टैकोमीटर, वो आपको डिजिटल में देखने को मिल जाता है जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बैटरी जो है हमें 12 वोल्ट के साथ 8 एएच के साथ देखने को मिल जाती है, डीआरएल लाइट के साथ हमें देखने को मिलेगा और एएचओ हमें देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ हमें यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद ये थे हमारे इस गाड़ी में फीचर्स। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन जो है हमें फ्रंट टेलीस्कोपी फ्रंट फोर्क देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से, यहाँ से अटैच है ये और ये और कुछ इस तरीके से निकल के आएगा और ये रहा हमारा सस्पेंशन, ठीक है। यहाँ पे आपको ABS की बैचिंग देखने को मिल जाएगी, ड्यूल चैनल साथ प्रेजेंट है। वही हमें रियर सस्पेंशन जो इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है वो है हाइड्रोलिक रियर ट्विन शॉक स्विंग आर्म माउंट के साथ, ठीक। आई थिंक शायद वीडियो पॉज हुआ होगा, कोई इशू होगा, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड जो रेयर सस्पेंशन है वो हाइड्रोलिक रेयर ट्यून शॉक स्विंग आर्म माउंट के साथ हमें देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरीके से डिजाइन के साथ देखने को मिलता है। वही अब हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो फ्रंट हमें ब्रेक्स है इस गाड़ी में वो डिस्क देखने को मिल जाता है 2 पिस्टन कैलिपर के साथ जो भी वाइबर का ब्रांड के साथ अवेलेबल है। जैसे भाई अगर हम लोग रेयर ब्रेक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डिस्क ही देखने को मिलेगा लेकिन सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ देखने को मिल जाता है। वही रेयर टायर साइज के बारे में अगर बात करें 150x60 के साथ 17 इंच का टायर देखने को मिल जाता है जो कि एक अच्छे ग्रिप में देखने मिलेगा, एक स्पोर्टी लुक में। और ये जो हमें टायर देखने को मिल रहा है वो ट्यूबलेस में देखने को मिलता है। वही फ्रंट टायर जो है वो हमें 110x70 के साथ 17 इंच का टायर देखने को मिलता है जो कि 7 डे और एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में एलॉय व्हील के साथ जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हम लोग इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इस गाड़ी में जो इंजन स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिलता है वो 440cc की ये गाड़ी है, एयर कूल्ड स्पार्क प्लग पर 1 सिलेंडर के साथ, CDI इग्निशन के साथ हमें देखने को मिल जाती है और BS6 फेज 2 के साथ। वही इस इतने हैवी इंजन के साथ जो पावर निकल के आती है वो 27 BHP के साथ 6000 RPM देखने को मिल जाती है। मैक्सिमम टॉर्क हमें 36 Nm के साथ 4000 RPM देखने को मिल जाता है। माइलेज ऑनर रिपोर्ट अनुसार हमें अभी पता नहीं है क्योंकि आप लोग ही, हम सब हैं ऑनर रिपोर्टेड, हम ही लोग देंगे। अभी गाड़ी को मैंने टेस्ट किया नहीं है, अगर आप लोगों ने टेस्ट कर लिया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताएं, इससे दूसरों को हेल्प मिल जाएगी। टॉप स्पीड भी पता चलेगी जब मैं इसको टेस्ट करूँगा, तो जल्द से जल्द मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ। आप लोग अगर नए हैं वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर लें, आप लोग टेस्टिंग देखने को मिल जाएगी। ट्रांसमिशन गियर जो है हमें 6-स्पीड मैनुअल देखने को मिल जाती है, फर्स्ट डाउन और 5 अप के साथ देखने को मिलने वाली है। वही फ्यूल टैंक कैपेसिटी हमें 13.5 लीटर देखने को मिल जाती है। चलिए अब इस गाड़ी के अगर हम लोग डायमेंशंस की बात कर लें तो 191 kg के साथ हमें कर्वेट देखने को मिलता है 191 kg का। वही सीट हाइट हमें 803 mm देखने को मिल जाता है ग्राउंड से, ग्राउंड क्लीयरेंस हमें 175 mm देखने को मिल जाता है और ओवरऑल लेंथ 2100 mm देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये कुछ थी इस गाड़ी का रिव्यू जो कि मैंने आपको स्टेप टू स्टेप वाइज सब कुछ बताया। और जो इसकी सीट है एक अच्छी क्वालिटी में आपको पंची सीट देखने को मिल जाती है।
मैंने आपको स्विचेस वगैरह सब कुछ बता दिया, इंस्ट्रूमेंट कंसोल बता दिया, वेरिएंट बता दिया, वो बता दिया, कहते हैं कलर्स बता दिए, ब्रेकिंग सिस्टम बताया, सस्पेंशन बताया, टायर साइज बता दिया, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी बता दी है। जो रह गया है वो है एग्जॉस्ट साउंड सुनने का, चलो वो भी सुन ही लेते हैं। गाड़ी ऑलरेडी न्यूट्रल पे खड़ी है, ठीक है, और विदाउट एक्सीलरेट हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। गाड़ी स्टार्ट, अब लेंगे एक्सीलरेट। तो गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आपको एग्जॉस्ट साउंड कैसा लगा, और अगर आपको मेरी मेहनत देखी हो, आपको रिव्यू मेरा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। कर ही रह जाए कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग प्रोमोटर टॉक।